तो आप लोगों ने अपने बचपन में गुड्डे गुड़िया के कपड़े उतार के वो वाला काम तो जरूर किया होगा। अब आप लोग सोचोगे कि मुझे ये सब चीजें कैसे पता, तो मैं बता दूं कि मैं हूं अनिकेत अंतर्यामी और आज के एक्सप्लेनेशन में मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जो कि इसी चीज से रिलेटेड है। एंड डेफिनेटली ये मूवी आप ही के लिए है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी और बकचोदी के। स्टार्ट होते हैं और हम लोग देखते हैं एक साइंटिस्ट को जिसने कि एक फॉर्मूला बनाया था जिसका नाम डाउनसाइजिंग था। तो बेसिकली इस फॉर्मूले का काम ये था कि ये इंसानों को छोटा कर सकता था 5 सेंटीमीटर तक। अब ये यहाँ पे पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन आ गई थी क्योंकि इसका एक रीजन था क्योंकि धरती पे जगह कम पड़ रही थी लोगों के रहने के लिए। तो इन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था जिससे कि लोग छोटे हो सकते हैं और यहाँ पे उनकी जो रहने के लिए जगह है वो बढ़ जाएगी। अब कुछ लोगों ने डाउनसाइजिंग टेक्निक से अपने आप को छोटा भी करवाया था जिससे कि पूरी दुनिया को ये पता पड़ सके कि ये जो ऑपरेशन है वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है और आप लोग सक्सेसफुली छोटे हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस चीज का एक साइड इफेक्ट भी था और वो साइड इफेक्ट ये था कि जब आप लोग छोटे हो जाओगे उसके बाद आप लोग फिर से अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आ सकते, यानी कि आप लोग फिर से बड़े नहीं हो सकते। अब इस चीज को एक रिवॉल्यूशन की तरह दिखाया जा रहा था न्यूज चैनल के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग देखते हैं कि लोग कुछ लोग इस चीज को अच्छा भी मान रहे थे ह्यूमन रेस के लिए और कुछ लोग इस चीज को गलत भी मान रहे थे। लेकिन जिन लोग इस चीज को अच्छा मान रहे थे वो लोग अपने ऊपर इस टेक्निक का यूज भी करवाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग छोटे भी हो जाते हैं जिससे कि उनकी जो लाइफ थी वो और भी अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कपल को देखते हैं जिनमें से एक का नाम जॉन होता है और एक का नाम डॉन होता है। हम लोग देखते हैं ये लोग भी अपनी लाइफ से परेशान हो चुके थे और इन लोगों के पास खाने पीने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे। तो ये लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है कि ये लोग भी और दूसरे लोगों की तरह छोटे हो जाएंगे। हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि इस चीज के बारे में पता करने के लिए एक साइंटिस्ट के पास जाता है। तो वहां पे एक पार्टी हो रही होती है, तो पार्टी में हम लोग देखते हैं कि वहां पे जॉन का एक दोस्त आता है जिसने अपनी वाइफ के साथ इन डाउनसाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करवाया था। जॉन अपने दोस्त से इस बारे में पूछता है लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो यहाँ पे जॉन का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देता है और कहता है कि इससे जो मेरी लाइफस्टाइल है वो और भी अच्छी हो गई है और हमारे पास रहने के लिए बहुत सारी जगह है और हमारे पास खाने के लिए भी बहुत सारा खाना है। अब यहाँ पे जॉन का ब्रेन वॉश इस चीज से हो जाता है तो वो अपनी वाइफ के साथ वहां पे इस साइंटिस्ट के पास जाता है इस चीज के बारे में और जानने के लिए। यहाँ पे उसका उसकी वाइफ का पूरा पूरा मन बन गया था कि वो अपने ऊपर डाउनसाइजिंग टेक्निक का यूज करवाएगा। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे जॉन को बताते हैं कि जब हम तुम्हारे ऊपर ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो तुम्हें अपनी बॉडी में से जितने भी मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं वो निकलवाने पड़ेंगे क्योंकि इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। क्योंकि ये जो टेक्निक थी ये सिर्फ तुम्हारी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही यूज होती है, तुम्हारी बॉडी में अगर कोई भी मेटल की चीज आई है उस पर यूज नहीं होगी। अगर तुम नहीं निकलवाओगे तो तुम मर भी सकते हो। हम लोग यहाँ पे जॉन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है और एक अपॉइंटमेंट होता है उसका इसी डाउनसाइजिंग टेक्निक का। अब हम लोग देखते हैं कि जॉन इस चीज के लिए राजी हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जॉन ही सबसे पहले जाता है उस डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर यूज करवाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि जॉन अपनी वाइफ को आखिरी बार गुड बाय कहता है और कहता है कि अब तो हम छोटे होने के बाद ही मिलेंगे। हम लोग देखते हैं कि जॉन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और उसकी बॉडी के जितने भी बाल थे वो सभी काट दिए जाते हैं। इसके बाद जॉन को एक चैम्बर में डाला जाता है जहां पर डॉक्टर एक प्लग दबा देते हैं जिससे कि जो प्रक्रिया थी छोटे होने की वो स्टार्ट हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो मशीन भी बंद हो जाती है और जॉन जो होता है वो पूरी तरह से उसका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। अब छोटा होने के बाद सबसे पहले वो आदमी क्या करता है कि अपने नन्नों को देखता है कि वो छोटा है या बड़ा है। अबे ये कर ले पहले छोटी लल्ली वाला। अब हम देखते हैं कि जॉन अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से चेक करने के बाद हम लोग देखते हैं जॉन के लिए एक बिस्किट आता है जो सिर्फ एक ही बिस्किट था और उसके लिए इनफ था क्योंकि उसका साइज छोटा था। और जॉन उस बिस्किट को नहीं खाता और वो अपनी वाइफ को फोन मिलाता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो जॉन की वाइफ होती है उसके भी बाल काटे जा चुके थे लेकिन आधे पर, तभी उसका मूड बदल जाता है कि वो डाउनसाइजिंग टेक्निक का यूज अपने ऊपर नहीं करेगी क्योंकि अगर वो ऐसा यूज करती है तो वो फिर कभी बड़ी नहीं हो सकती और उसका अपने रिलेटिव्स के साथ भी कॉन्टैक्ट छूट जाएगा जो कि वो नहीं चाहती थी। पर हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे जो जॉन था वो पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ही कुछ एक्सेप्ट कर रहा था और उसकी वाइफ ने भी अब उसे धोखा दे दिया था और वो नहीं चाहती थी उसके साथ रहना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जॉन था वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था पर हम लोग देखते हैं कि उसको यहाँ पे एक बड़ी सी मेंशन में लेकर आया जाता है जो कि उसके साइज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो मेंशन थी और उसके साथ साथ ये जो पूरी कॉलोनी थी वो डाउनसाइजिंग टेक्निक के यूज करे हुए लोगों के लिए ही बनाई गई थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जॉन इस पूरी सबसे बड़ी मेंशन में अकेला ही आदमी था। हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं उसके छोटे साइज में रहते रहते और जॉन अपनी वाइफ को तलाक भी दे देता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जॉन की लाइफ थी वो अकेले ही बीत रही थी।
अब हम लोग देखते हैं कि टीवी चैनल पे एक न्यूज चल रही होती है और वो न्यूज ये थी कि कैलिफोर्निया से लंदन की तरफ एक बॉक्स भेजा गया था छोटे लोगों का, जिसमें कि सभी लोग मर चुके हैं और उसमें सिर्फ एक ही लड़की बची है। अब इस न्यूज को सुनने के बाद जॉन एक पार्टी में जाता है, जहां से आने के बाद वो पूरी तरह से नशे में था। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके किचन में वही लड़की काम कर रही है जो कैलिफोर्निया से लंदन की फ्लाइट्स की जो डेथ हुई थी उनमें से जो लड़की बची है वो उसी के रूम में थी और वो उसके लिए खाना बना रही थी। हम लोग देखते हैं उस लड़की का भी इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था और वो लड़की अपनी फैमिली में अब अकेली ही बची थी। हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को एक दूसरे आइलैंड पे ले जाया जाता है, जो कि पूरा आइलैंड इन छोटे लोगों के लिए ही बसाया गया था। हम लोग देखते हैं इस आइलैंड पे ऐसा कोई भी खतरा नहीं था जिनसे इस लोगों को खतरा हो। हम लोग देखते हैं कि इस पूरे आइलैंड पे छोटे छोटे ऐसे क्वार्टर्स बनाए गए थे जहां पर कुछ लोग इलीगल तरीके से भी रह रहे थे। इलीगल ये था कि इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपने ऊपर डाउनसाइजिंग टेक्निक का यूज करवाया था और ये लोगों को अब इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता था, तो ये लोग इलीगल तरीके से वहां पे रह रहे थे। हम लोग देखते हैं कि जो जॉन होता है वो अपनी पूरी लाइफ अब उस लड़की के साथ ही बिताता है। साथ ही साथ अब हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि अब उसी साइंटिस्ट से मिलने के लिए जाता है जिसने सबसे पहले अपने ऊपर इस डाउनसाइजिंग टेक्निक का यूज किया था। जॉन उस साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या मैं पहले जैसा हो भी सकता हूँ, तो वहां पर साइंटिस्ट उससे कहता है कि अब तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते और ये चीज हमें पहले ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में तुम्हें बताई गई थी। हम लोग अब देखते हैं कि जॉन अब एक फैसला लेता है, क्योंकि उसकी जो पहली वाइफ थी वो तो उसे छोड़ के जा चुकी थी, तो वो फैसला लेता है कि वो उसी लड़की के साथ अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बिताएगा। हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी और ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार भी करते थे। हम लोग देखते हैं कि जो दूसरे लोग थे उस आइलैंड पे वो लोग भी इन दोनों को पसंद किया करते थे और हम लोग अब देखते हैं कि एंड में ये दोनों एक दूसरे के साथ ही अपनी बची हुई लाइफ को बिताते। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से ये जो मूवी है यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।